गिरफ्तार कर। बढ़ते आगे, फियो एक्ट के तहत यूपी का पहला केस दर्ज, श्राइन सिटी के संचालक पर ईडी का एक्शन। तो राशिद नसीम पर फियो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। देश छोड़कर दुबई में रह रहा है राशिद नसीम। तो निवेशकों से कई सौ करोड़ की ठगी की थी राशिद। दुबई में रहकर लगातार ठगी का गोरख धंधा चला रहा था। तो राशिद के करीबियों की 190 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। यूपी का पहला केस फियो एक्ट के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें श्राइन सिटी के संचालक पर ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। राशिद नसीम जो कि श्राइन सिटी का प्रमोटर है तथा सैकड़ों करोड़ की ठगी करके दुबई में बैठा है और वहां से निरंतर ठगी कर रहा है, उसके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कड़ी कार्रवाई करते हुए फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट के तहत, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस एक्ट को पार्लियामेंट में श्री अरुण जेटली, तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर, ने इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट के तहत एजेंसी के डायरेक्टर या उनके द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर को यह पावर होती है कि स्पेशल कोर्ट में सेक्शन 4 के तहत एप्लीकेशन मूव करें और जज सेक्शन 12 के तहत पूरी सुनवाई करते हुए इस एक्ट के तहत आदेश जारी करते हैं।